सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ मीनाक्षी भारतीयम। आज मैं बिहार झारखंड का फेमस पीठा बनाने चल रही हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। चलिए मेरे साथ। पीठा बनाने के लिए 500 ग्राम चावल का आटा है, ड्राई 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम खोवा, 4-5 छोटी इलायची। सबसे पहले मैं आटा गूंदने चलती हूँ। चलिए ये देखिए, एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें मैं आटा गूंथने के लिए एक मग पानी गर्म कर रही हूँ। इसे पूरा उबालना है। ये देखिए मेरा पानी अब उबल चुका है। ये देखिए मैं एक परात ली हूँ, अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल करके आटा को गूंथूंगी। ये देखिए मेरा चीनी अब पीस चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं खोवा डाल देती हूँ और साथ में कूटी हुई छोटी इलायची। अब सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मेरा अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे भरने के लिए चल रही हूँ। 20 मिनट हो चुका है, मैं आटा को देख लेती हूँ। ये देखिए मेरा आटा नरम है। अब मैं इसे छोटी छोटी लोई तोड़ लेती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा आटा रखी थी, इसे मैं हाथ में लगा करके छोटी छोटी लोई तोड़ लेती हूँ। लोई बना ली हूँ। अब मैं इसे भरने के लिए चलती हूँ। पहले हाथ में आटा लगा लेती हूँ, फिर ये गोली को चिकना कर लेती हूँ। इसे हाथ से ऐसे दबा करके इसे कटोरी के जैसा शेप में ऐसे अब इससे भरने के लिए चलती हूँ। इसे हाथ से ऐसे दबा करके ऊपर से बंद कर देना है। अब इसे पलट के ऐसे गोला बना देना है। ये देखिए भर ली हूँ। अब इसे मैं बनाने के लिए चलती हूँ। देखिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। अब पानी को पूरा अब इसे ढक देती हूँ उबाल आने तक। ये देखिए मेरा पानी में अब उबाल आ चुका है। अब इसे 3-4 मिनट तक पकाना है। ये देखिए मेरा
में 3-4 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथ से हिला रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा पक चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।